नमस्कार, मैं गौतम तिवारी इस हफ्ते की बड़ी बहस में आपका स्वागत करता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यदि आपको किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो आप उसे सत्ता का अधिकार दे दीजिए। किंतु भारत जैसे देशों में समस्या यह है कि आज राजनीतिक करियर रखने वाले ज़्यादातर लोग एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, या यूं कहें कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान संतोष कुमार पांडे जी और नमिता वाजपेयी जी उपस्थित हैं। संतोष जी, क्या आज राजनीति और अपराधीकरण एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं? मैं सहमत नहीं हूँ, ये अतिशयोक्ति है। राजनीति और अपराध पर्याय हो ही नहीं सकते, जहाँ तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यदि राजनीति और अपराध पर्याय हो गए तो कहाँ का लोकतंत्र और कहाँ की व्यवस्था, ऐसा संभव नहीं है। मेरे विचार में मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में आपराधिक तत्व ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि राजनीति को अपराध का पर्याय कहा जाने लगे। नमिता जी, एक क्वेश्चन, लोकतंत्र के माध्यम से हम अपने सत्ताधारियों को चुनते हैं, अब ये सत्ताधारी ही अगर अपराधी होंगे तो देश की कानून व्यवस्था या देश का कोई भी विदेशी प्रकरण या राज्य का रक्षा जो भी है, ये किस दिशा में जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन विभागों की आप बात करें, जिन जिन विषयों की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सबको हेड वही लोग कर रहे हों जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा हो। जैसे हेनरी किसिंगर ने कहा था कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस, दे मेक द अदर 10% लुक बैक। जो वो 10% का उन्होंने सेक्टराइजेशन किया पॉलिटिक्स का, मेरे ख्याल से वही लोग काफ़ी हैं देश को दिशा दिखाने के लिए, अगर उनमें ये क्षमता है कि वो अपने साथ बाकी लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ। अगर वो साफ छवि के हैं तो उनके साथ वही लोग जुड़ेंगे जो साफ छवि के होंगे, और जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं यूजुअली वो पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करते हैं जिससे वो कानूनी शिकंजों से दूर रहें, जो भी इन्वेस्टिगेशंस उनके अगेंस्ट हो रहे हैं वो उनके फेवर में जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो पॉलिटिकल सुपरविजन में होते हैं। तो जब ये लोग, इस तरह के लोग जो भी आपराधिक छवि वाले होते हैं, जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो मेनली उनका मोटिव यही होता है कि वो इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनके करियर के, उनको दूर कर पाएँ, लॉ से बच पाएँ, लॉ के शिकंजे से बच पाएँ, दूसरी चीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी अर्न कर पाएँ लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, वो सोचते भी नहीं हैं देश के बारे में इतना। देश चलाने वालों का एक समूह ही अलग होता है और वो देश चला लेते हैं। संतोष, क्या आपको लगता है कि क्या आज राजनीति एक छत्रछाया के रूप में उभरी है अपराधियों के लिए, कि वो आज यहाँ पर आ जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे, या अपने पॉलिटिकल पार्टीज उनको बचाएंगी? जैसे अभी हमने देखा कि आप थोड़े दिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद के बाबू सिंह कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगे, उनको उनकी पार्टी से निकाला गया और एक निश्चित पार्टी ने उन्हें फिर से किया, तो क्या एक ऐसा नहीं लगता कि एक दल एक छत्रछाया मौजूद करा रही है कि नहीं आप आइए और हम आपकी रक्षा करेंगे, क्या ऐसा कुछ? मुझे स्मरण आता है वीरप्पन का। वीरप्पन ने लगभग 40 साल तक एक तरह से वो चक्रवर्ती सम्राट था सत्यमंगलम के जंगलों में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। उन्होंने एक बार सरकार से प्रस्ताव रखा था कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे, और शर्तें रखी थी जिसमें करोड़ों रुपए, उनका पुनर्वास, और सबसे जो हास्यास्पद बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे कोई राजनीतिक दल टिकट दे, इसकी गारंटी दे कि हम निर्वाचन में खड़े होंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, इस बात की गारंटी कोई राजनीतिक दल दे, हम समर्पण करेंगे। ये विडंबना है हमारे देश की, इसमें दो राय नहीं है। राजनीति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आश्रय स्थल तो बनती है अपराधियों का, और अपराधियों के आश्रय स्थल बनने के पीछे कारण है कि प्रत्येक राजनीतिक दल ये इस प्रयास में रहता है कि उसको सत्ता तक पहुंचना है, और सत्ता तक पहुंचने की इस प्रक्रिया में उसको लगता है कि जो भी साम दाम दंड भेद हैं वो सारे प्रयोग किए जाएं। अपराधी एक अच्छी सुविधा है राजनेताओं के लिए। ये 60 के दशक में ये प्रक्रिया थोड़ी सी शुरू हुई थी, अंतिम वर्षों में 70 और 80 के दशक में इसने तेज़ी पकड़ी, और विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब जो राजनीतिक जो छवि वाले जो व्यक्ति थे, राजनेता जो थे, वे अपराधियों की शरण लेने लगे अपने जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, नकारात्मक सकारात्मक जो भी रूप से, अपराधी किंग मेकर बनने लगे, नृप निर्माता बनने लगे। तो उन्होंने कहा, सोचा कि जब हम या हमारी सहायता से नेता सत्ता तक पहुँच रहे हैं तो हम क्यों भागे भागे घूमते हैं, हम स्वयं क्यों ना सत्ता का सुख भोगें। तो इस विश्वास ने लोकतंत्र के विश्वास को तोड़ा, और
इसमें दो राय नहीं कि आज के राजनीतिक परिवेश में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि में गंभीर आरोप लगे हैं और वो संसद के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में विराजमान है। ये दुखद है, विडंबनापूर्ण है। रावण का घर लंका है, अयोध्या नहीं हो सकता। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरफेक्ट, मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे एक आस्पेक्ट इसमें दिखाई देता है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके क्लाउट को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जो इंडिया का सोशल डिवाइड है, हमारी सोसाइटी का जो सोशल डिवाइड है कास्ट और कॉमनल लाइंस पे, ये जो भी अपराधी होते हैं ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ये सेवियर्स हैं उन पर्टिकुलर कास्ट या उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के। तो उस वहाँ पे उनका एक क्लाउट, उनका एक समर्थन अपने आप क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर जाति विशेष में। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, जैसा इन्होंने कहा, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके और सत्ता पाना चाहती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो फिर ये नहीं देखते हैं कि हम टिकट किसको दे रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमको ये सीट कौन जितवा रहा है। वहाँ पे वो जो भी, जितनी भी बड़े आपराधिक छवि वाला आदमी हो, वो उसको टिकट देके और जितवा के संसद पहुँचाते हैं बिना ये देखे हुए कि इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा देश को आगे ले जाने में, या आगे ले जाएगा या आगे चल के हमारी पार्टी के लिए ही मुसीबत बन जाएगा। तो आपका कहने का आशय यह है कि एक जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदार है कि जातिवाद या क्षेत्रवाद के चक्कर में उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। संतोष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जहाँ तक एक लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र की सफलता ही जनता तय करती है। जनता की सोच, उसकी समझ और सबसे बड़ी उसकी भागीदारी। उसकी भागीदारी कैसी है? क्या मतदान करने तक सीमित है? ये मतदान करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पे गाड़ी चलाना। हम गाड़ी चलाने में यदि लापरवाही करेंगे दुर्घटना होती है। यदि हम मतदान करने में लापरवाही करेंगे तो ऐसे अवांछित तत्व पहुंच जाएंगे उच्च पदों तक जो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। हो सकता है व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो जाए, लेकिन चूंकि दुनिया गोल है, घूम फिर कर हमें भी उस नरक से गुजरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जनता की भूमिका ज़्यादा प्रभावशाली है और मैं पूरी तरह से आशावादी हूँ इस विषय को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सूचना का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, सूचना विविध माध्यमों से जनसामान्य तक पहुँच रही है, विविध स्रोतों से पहुँच रही है, तो ऐसे में उनको उनका जो वैचारिक स्तर है वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। जनसामान्य अब सोचते हैं, विचार करते हैं कि उनको मतदान किस आधार पर देना चाहिए। क्या जाति जैसे विषयों पर या आपराधिक व्यक्ति के का पक्ष इसलिए कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो सके? इन तत्वों से लोग ऊपर उठ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश का लोकतंत्र और परिपक्व होगा जैसे जैसे जागरूकता लोगों में बढ़ रही है। संतोष जी, एक सीधा सा क्वेश्चन आपसे कि जब चाइना की क्रांति हुई थी, चीन की जब क्रांति हुई थी, मासू तिंग ने कहा था, माओ ने कहा था कि हम लोकतंत्र के बजाय एक गणतंत्र खड़ा करेंगे और उसमें कुछ चुने हुए व्यक्ति ही होंगे जो क्या कहते हैं उस गणतंत्र को लेकर आगे बढ़ेगा। क्या भारत को भी इसी तरह की प्रणाली अपना लेनी चाहिए? क्योंकि आज अगर हम चाइना और हिंदुस्तान की तुलना करें तो चाइना कम से कम हमसे 10 साल आगे है। क्या गणतंत्र को अब अपना लेना चाहिए? देखिए, खजूर के पेड़ की लंबाई बहुत होती है, बरगद का वृक्ष विशाल होता है, वो आश्रय देता है, वो मजबूत होता है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। चीन और भारत की व्यवस्था में यही अंतर है। चीन को मेरे विचार में वो खजूर जैसा लंबा है और भारत एक वटवृक्ष है जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और धीरे धीरे विकसित हो रहा है। कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता सौंप देनी चाहिए तो हुस्नी मुबारक में क्या कमी थी मिस्र में, या बशर अल असद का सीरिया में क्या कमी है, परवेज़ मुशर्रफ में क्या कमी थी, क्योंकि हम लगातार कहते रहे कि नहीं लोकतंत्र की वापसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, फिर हम आंग सांग सू की पक्षधारी क्यों करते हैं? देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र भागीदारी से ही चलता है। कुछ गुणवान लोगों को सत्ता सौंप देनी चाहिए, ये संस्था कौन तय करेगी? क्योंकि लुई चौदहवां कहा करता था फ्रांस में कि मैं ही राज्य हूँ, तो ऐसे कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपका प्रश्न तानाशाही की ओर इंगित करता है। तानाशाही लोकतंत्र प्रतिकूल व्यवस्थाएं हैं, एक रात्रि एक दिन है। लोकतंत्र में लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अवसर देती है कि वो जाए और उसका जो भी योगदान है अपनी भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित करे। जहाँ तक चीन की बात है, चीन में ने जो भी प्रगति करी है, इसमें दोहरा नहीं कि चीन ने प्रगति करी है, आर्थिक प्रगति करी है, लेकिन राजनीतिक प्रगति में चीन भारत से बहुत पीछे है। हम मानवाधिकारों की बात करें, हम मौलिक अधिकारों की बात करें, या चीन में हम विकास के जिस समाजवाद को लेकर माओ बढ़े थे, देखिए माओ ने साम्यवाद की स्थापना करी थी 1 अक्टूबर 1949 में,
माओ 1976 में नहीं रहे, ठीक 2 साल बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे देंग शाओपिंग, उन्होंने ही माओ के अधिकतम सिद्धांतों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। माओ कहते थे कि चीन के दरवाजे बंद हों सारी दुनिया के लिए, देंग शाओपिंग ने खोल दिए दरवाजे, उदारीकरण की नीति 1978 में चीन ने अपना ली, चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी आए हैं। चूँकि चीन एक कट्टर साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश होने के नाते हमें ये जानकारी कम मिल पाती है, चूँकि मीडिया सब नियंत्रण में रहता है, कि चीन की सामाजिक परिस्थिति क्या है, चीन का सामाजिक विकास किस स्तर पर हुआ है, चीन में जो 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 लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जैसे मूल अधिकार की बात करी जाए वो कहाँ तक फली फूली हैं, तो मैं इसको विकास नहीं कहूँगा। ठीक है, मेरे विचार में लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सभी को भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले। उसमें सर्वांगीण विकास का मतलब होता है, उसमें आप सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके और उसको एक बैलेंस नहीं बना सकते। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं कहूँगा, अरब के बहुत सारे देश हैं खाड़ी देशों के, उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, किंतु वहाँ महिलाओं को मताधिकार नहीं है, पुरुषों के बराबर समान दर्जा नहीं है, तो महिलाओं के विकास की बात करी जाए, वहाँ शिक्षा के जो आधुनिक जो प्रणालियाँ हैं वो कार्य रूप में नहीं है, तो उनको हम विकसित नहीं कह सकते। विकसित होने का मतलब धनवान होना ही नहीं है, धनवान होना एक पक्ष है विकसित होने का, जिसमें राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण ये सब विकास भी शामिल हो सकते हैं। नमिता जी, आज के दौर में जब हम किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, PCS हो, बैंक की नौकरी हो, एक पीयून तक की नौकरी हो, या हम घर में नौकर रखते हैं या दिल्ली जैसे शहरों में हम किराएदार भी रखते हैं, तो एक चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस के द्वारा तैयार किया जाता है और वो हमें सबमिट करना पड़ता है, तो राजनीति आज इससे अछूती क्यों है? हाँ, यहाँ मैं बिल्कुल आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र बल्कि एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए। देश को जहाँ 1.25 बिलियन लोगों को हम रूल करने जा रहे हैं, 543 लोग जाके एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि एजुकेशन वाइज उनको पूरी तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए। हिंदुस्तान को चलाना कोई आसान चीज़ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ना सिर्फ एक चरित्र का प्रमाण पत्र, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेप, वो ऑर्डर बहुत मायने रखता है और शायद उसका बहुत इम्पोर्टेंस होगी आने वाले टाइम में, जहां उन्होंने कन्विक्टेड लोगों को इलेक्शन लड़ने से मना किया और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस चीज़ को समय सपोर्ट नहीं किया और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अगेंस्ट गई। लेकिन मुझे लगता है कि न सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र बल्कि एक एजुकेशनल पैरामीटर भी सेट होना चाहिए। आपके हिसाब से एजुकेशन एक पैरामीटर होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कि हम अपने एग्जीक्यूटिव में जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे भाग्य को तय कर रहे हैं, जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही होगा कल और क्या गलत होगा, जो ये डिसाइड करेंगे कि किन मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ें कि हमारा डेवलपमेंट हो, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनमें उतनी समझ हो उन सारी चीज़ों को समझने की। ये नहीं होना चाहिए कि लॉ मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिठा दिया जाए, जो लॉ का एक्सपर्ट है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिठा दीजिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है उसको कल्चरल डिपार्टमेंट में बिठा दीजिए। ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं सिस्टम की, उनका दूर होना शायद ज़रूरी है देश के डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए। संतोष जी, क्या ये आप नमिता जी से इस बात से सहमत हैं कि क्या एजुकेशन को अनिवार्य कर देना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जहाँ एजुकेशन नहीं है लेकिन वो नैतिक स्तर पर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षा ही नहीं, शिक्षा निश्चित रूप से हमारे गुणात्मक विकास का एक मूल आधार है और मानदंड भी है, शिक्षा शिक्षित व्यक्ति अधिक योग्य हो जाता है, उसकी क्षमताएं अधिक विकसित हो जाती हैं। शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी शामिल किए जाने की ज़रूरत है। जैसे एक सार्वजनिक पदों के लिए ज़रूरी है, आप कोई व्यक्ति चपरासी तक नहीं बन सकता यदि उसके विरुद्ध कोई वाद है, उसने कोई ऐसा आपराधिक कृत्य में उसके शामिल होने पर उस पर अभियोग चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि पहली चीज़ तो ऐसे जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको ही राजनीति में आने का अवसर मिलना चाहिए, और यदि किसी पर आरोप ही लगे हैं तो उसको चुनाव तब तक नहीं लड़ने दिया जाना जब तक कोई न्यायालय उसको पूरी तरह से मुक्त न घोषित कर दे कि आप मुक्त हैं। रही बात गुणवत्ता की, तो बाकी एक ऐसे माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको हमेशा एक प्रेरणा मिले कि यदि वो राजनीति में आएगा और अच्छा करेगा तो इसमें उसको कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होंगे। राजनीति जो एक तरह से पैतृक संपत्ति बनती जा रही है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है, भले हमें दलीय व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन की ज़रूरत पड़े। जो योग्य व्यक्ति हैं वो आए,
भागीदारी करें, लोगों तक पहुंचें और सार्वजनिक पद, उच्च पद धारण करें। ये जो इसका जो केंद्रीकरण हुआ है राजनीति का, कि जैसे एक परिवार की बात करी जाए या किसी उद्योगपतियों की बात करी जाए या किसी वर्ग विशेष की बात करी जाए, ये इस पर प्रहार करने की ज़रूरत है। नमिता जी, आप युवाओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आज युवा का अपना एक सपना होता है कि भाई मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं या मैं बैंक में पीओ बन जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूं और उसके बाद फिर काम करूं। लेकिन राजनीति में आकर एक बड़े बदलाव को लाने के लिए बहुत कम युवक आते हैं, और जो युवा हैं भी वो देखा जाए तो एक वंश परंपरा के अनुसार आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वंश परंपरा के अनुसार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या युवाओं को भी जिम्मेदार मानना चाहिए? जिम्मेदारी की बात मैं नहीं कहूँगी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि राजनीति में यूथ सिर्फ, बहुत सारा यूथ सिर्फ इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि उनको राजनीति दूर से ऐसी दिखाई देती है जहां आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, जहां आपको एक सॉलिड कंसोलिडेटेड बैकग्राउंड चाहिए कि आप अपने आप को वहां पे सस्टेन कर पाएँ। नरेंद्र मोदी अगर एक बहुत लोअर मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच गए तो शायद बहुत सारे नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सी एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो ये मानता है कि हमने पढ़ लिख लिया, हमको एक अपना एक करियर डिसाइड कर लेना चाहिए और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। वहीं पर राजनीति के अपराधीकरण की छवि जो सामने आती है वो यहीं पर आती है, जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो पढ़ के मेहनत करके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता है, वो बजाय ये सोचने की कि मुझे देश के उसमें डेवलपमेंट में योगदान दूँ, मैं वो ये सोचता है कि मैं पहले अपना करियर बनाऊँ, एक शांतिपूर्ण सस्टेन्ड लाइफ इंश्योर करूँ और उस तरह से अपनी ज़िंदगी जी लूँ। बहुत कम इतने एंटरप्राइजिंग लोग बाहर सामने आ पाते हैं जो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार होते हैं और उसके बाद वो आखिर राजनीति बहुत कुछ मांगती है आपसे। राजनीति बहुत सैक्रिफाइसेस मांगती है, आपके हर तरह के सैक्रिफाइसेस मांगती है और वो सैक्रिफाइस करने के लिए भी आपको, अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी आपको कुछ साधनों की ज़रूरत होती है जो शायद सबके पास नहीं होते। संतोष जी, राजनीति की एक इनिशियल स्टेज के बारे में बात करेंगे, छात्र राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव होते हैं, आज सब कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छात्र राजनीति में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर धन बल और बाहुबल का हो रहा है, और इनिशियल स्टेज पर भी अगर राजनीति धन बल और बाहुबल पर आधारित हो जाएगी तो आगे की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति और फिर हम विदेश स्तर पर जो राजनीति करते हैं, क्या वो किस तरह से प्रभावित होगी जब हम क्षेत्रीय स्तर पर अपने इनिशियल स्टेज पर ही हम अपराधीकरण का शिकार हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक छात्रीय राजनीति की बात है तो विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों से इसलिए जोड़ने का प्रयास किया गया कि छात्र आरंभिक स्तर से ही उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, राजनीति क्या है, लोकतंत्र में राजनीति का क्या महत्व है और उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है। उद्देश्य अच्छा था, लेकिन जो अपराधियों का, आपराधिक तत्वों का और बड़े बड़े राजनीतिक दलों का अपने व्यक्तिगत दलीय हितों को ध्यान में रखते हुए जो हस्तक्षेप बढ़ा है परिसरों में, उससे छात्रीय राजनीति दूषित हुई है, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं इसमें, इसने वो निश्चित रूप से कष्टकारी भी है और दुखद भी है। मुझे लगता है कि दोष व्यवस्था में नहीं है, दोष कुव्यवस्था में है, तो जो कुव्यवस्था है उसको साफ सुथरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्वतंत्र रहकर छात्रों को ज़रूर राजनीति में भाग लेना चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, और ये स्वस्थ राजनीति कैसी हो ये जिम्मेदारी भरी बात है और इसको सुनिश्चित किया जाना पहले ज़रूरी है, फिर छात्रों को राजनीति में आने का अवसर दिया। मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की या यूनियन, स्टूडेंट यूनियंस की बात करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होना ही नहीं चाहिए। वहाँ एक स्वस्थ स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिक्स होती है उसी को पनपने देना चाहिए, वहाँ से जो नेता निकले ये फिर उनका डिस्क्रिशन होना चाहिए कि वो आगे चल के किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। मुद्दा ये है कि जैसे कुछ समय पहले लिंगदो की सिफारिश आई छात्र राजनीति को लेकर, लिंगदो ने अपनी सिफारिशें दी और इस हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी का हम उदाहरण लेते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का, वहाँ के वीसी ने वहाँ के लिंगदो की सिफारिश को लागू किया, लेकिन छात्रों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के चलते एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता और प्रमुख नेता जो आज सत्ता में भी हैं चुपचाप छात्रों से मिलने गए। तो जब एक परिपक्व राजनीतिक इस तरह के कदम उठाता है और राजनीति के अपराधीकरण में क्या क्या पॉजिटिव भूमिका निभा रहा है? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि जब तक
सुधार ऊपर से नहीं होगा, उसके प्रभाव नीचे नहीं दिखने शुरू होंगे। ये जो सत्ता के लिए सब कुछ करने की जो उत्कंठा होती है इन तथाकथित बड़े नेताओं को, आपने बड़ा कहा लेकिन मैं इसे बड़ा नहीं मानता हूँ। मेरी नज़र में बड़ा होने के लिए कुछ और ही मानदंड हैं जो बहुत कम लोगों में पाए जा रहे हैं, आज में भी और पिछले अतीत में भी। मुझे लगता है इनको इस बात के चिंतन करने की ज़रूरत है कि समय ने, समाज ने, देश ने उनको एक अवसर दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, तो कुछ अच्छा कर गुजरेंगे तो हज़ार साल बाद भी वो जीवित रहेंगे भले ही आज ना हो। अपने निहित स्वार्थों के लिए, दलीय हितों के लिए, राजनीति के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, फिर जो बाद में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी एक बात हो जाती है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कहीं ना कहीं से इनको ये आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैं एक बात कहूँगा, नैतिक रूप से ये जो पतन हुआ है तथाकथित उच्च नेताओं का, इस पर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। ये जो नैतिक रूप से पतित है वो उच्च नेता कैसे बन गया और समाज उसे उच्च नेता की संज्ञा कैसे देने लगा। सबसे फिर हम वही घूम फिर कर आते हैं जो जिस आपने चरित्र प्रमाण पत्र की बात की थी। सबसे बड़ा चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाली जो संस्था है वो जनता है। ये जनता को सोचना होगा कि भले वो उनके जाति के हों, उनके धर्म के हों, उनके मोहल्ले के हों, उनके क्षेत्र के हों, यदि वो गुणवान व्यक्ति नहीं है तो उनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए निर्वाचन में। ये जनता को तय करना पड़ेगा, ये प्रतिबद्धता जनता को दिखानी पड़ेगी। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आप राजनीति के अपराधीकरण में सुधार के लिए आप इनिशियल स्टेज यानी कि छात्र राजनीति से सुधार करने की मंशा रखती हैं, या फिर ऊपर से जो ऊपर के नेता हैं हमारे करप्ट हैं वहाँ से आप शुरुआत करना चाहिए? मुझे लगता है ये बोथ वेज है। अगर हम मेन पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो मुझे ये लगता है कि उनको छात्र राजनीति के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ को एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। उनको पूरा मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को, जो कि अपने आप को एक अच्छे नेता की तरह स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को आगे लेके बढ़े, उसमें अपना योगदान दें और उनकी राजनीति वहाँ तक समाप्त हो जाए। उसके बाद वो वहाँ से निखर के एक अच्छे नेता के रूप में जब बाहर आए तो फिर ये निर्णय उनका अपना होना चाहिए कि उनको आगे देश की राजनीति को किस तरह और किस फेज़ में लाइफ के कैसे ज्वाइन करना है। मेरे ख्याल से ये निर्णय उनका अपना होना चाहिए। तो ये तो हो गया नीचे से सुधार, और जो ऊपर से सुधार है वो यही है कि हम एक गीली मिट्टी की तरह वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम ढलने दें उनके हिसाब से, बजाय इसके कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनको अपने हिसाब से ढालें। और शायद उसमें से बहुत से ऐसी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपसी टसल में वो कहीं के नहीं रह पाते। संतोष जी, आपकी क्या राय है कि ये सुधार कहाँ से शुरू होना चाहिए? सुधार व्यापक होना चाहिए, व्यवस्था व्यापक है, इसका असर व्यापक है, इसके दुष्परिणाम और सुपरिणाम भी व्यापक होते हैं। आप एक स्थान विशेष पे सुधार लागू करेंगे, सुधार के प्रयास करेंगे, मुझे लगता नहीं कि उसके बहुत ज़्यादा परिणाम आ पाएंगे। सुधार व्यापक होना चाहिए, जैसे निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी जो विधि है, जो निर्वाचन जो प्रत्याशी हैं उनकी जो योग्यताएँ हैं उसको तय करने की आवश्यकता है। आपराधिक तत्व राजनीति में प्रवेश न कर पाएँ इसको रोके जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त समाज को सही सूचना मिले, सही समय पे मिले। हमें लगता है कि मीडिया को भी मुक्त होने की ज़रूरत है। जो मीडिया है उसको भी, मीडिया की मुक्ति का मतलब राजनीतिक मुक्ति ही नहीं है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से या उसको संवैधानिक स्वतंत्रता दे दी गई, इतनी ही पर्याप्त नहीं, कॉरपोरेट से भी उसको स्वतंत्र होने की आवश्यकता है ताकि जनता के पास सुस्पष्ट सूचना पहुँच सके और उसके आधार पर वो अपना मतदान व्यवहार सुनिश्चित करे। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है तो विश्वविद्यालयों में छात्रों को मार्गदर्शन की तो आवश्यकता है, लेकिन ये वहाँ के जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वहाँ की व्यवस्था है वो तय करें, बाह्य हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं नमिता जी की बात से सहमत हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं वो उचित दूरी बनाए रखें और छात्रों का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें राजनीति। मुद्दा और समाधान दोनों ही साफ हैं। वास्तव में इस समस्या का समाधान जनता की राजनीति और जनता की चेतना और जनता का जातीय स्तर और क्षेत्र स्तर से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत और दल का स्वयं में सुधार लाने के बीच में स्थित है। और यदि किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आज राजनीति किस समस्या से गुजर रही है तो किसी को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके तथा समाज के साथ क्या घटना घट सकती है। दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गौतम तिवारी अगले हफ्ते फिर किसी बड़े बहस के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। नमस्कार।